हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस और रीजनिंग के और भी क्वेश्चन। तो देखिएगा, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। आइएगा, शुरू करते हैं वीडियो को और साइड में बेल का आइकन भी दबा ले। तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा इसका। राजा अपने घर से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद अपने दाई ओर घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर वामार्थ 135 घूमकर 3 किलोमीटर चलता है, फिर अपने दाएं हाथ की ओर घूमकर 45 डिग्री घूमकर 2 किलोमीटर चलता है, फिर रुक जाता है। अब उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले डायग्राम को समझना ज़रूरी होता है। इस डायग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। ये डायग्राम हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं हम। तो आइएगा, सबसे पहले इस डायग्राम को ही समझते हैं। तो देखिएगा, डायग्राम को कैसे समझते हैं, इसमें क्या होता है? इधर की ओर होता है पूरब, ऊपर की ओर होता है उत्तर, और इधर की ओर होता है पश्चिम, और इधर की ओर होता है दक्षिण। क्वेश्चन में दाएं और बाएं मुड़ने के लिए कहा है, तो किस तरह से मुड़ते हैं? देखिए, उत्तर में याद रखेंगे हम, दायां इधर होता है और बायां इधर होता है। तो इसके बाद क्या करना है? देखिएगा, इधर बायां लिया, इसके बाद इधर दायां बनाना। डायग्राम कैसे बनाते हैं? दायां, फिर इसके बाद बायां, फिर इसके बाद इधर दायां, फिर इधर बायां, फिर दायां, फिर बायां। तो देखिएगा, जब भी डायरेक्शन मुड़ने के लिए कहा जाएगा दाएँ बाएँ, तो 90° पर मुड़ेंगे। यानी कि दाएँ, अगर उत्तर में किसी कहा गया है कि उत्तर में कोई व्यक्ति बाएँ मुड़ा, तो उत्तर में गया वो और बाएं मुड़ा, यानी कि 90° से मुड़ जाएगा। इसी तरह अगर कहा जाए कि पश्चिम में गया और दाएं मुड़ा, तो पश्चिम में जाएगा और दाएं 90 मुड़ जाएगा, यानी कि ऊपर की ओर 90, दाएं मुड़ जाएगा 90 ऊपर की ओर। तो इस तरह से दाएं बाएं मुड़ते हैं। और इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, जिसमें एंगल के लिए घूमने कहा जाता है। कहा जाता है कोई व्यक्ति दक्षिण से 45 डिग्री घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ा, तो किस तरह से मुड़ते हैं? तो देखिएगा, किस तरह से मुड़ते हैं। अगर दक्षिण से कहा गया है 45° मुड़ने को घड़ी की दिशा में, तो इस तरह से मुड़ेगा घड़ी की दिशा में। ये 45 डिग्री एंगल होता है इनके बीच में, क्योंकि ये पूरा एक 90 का होता है, ये पूरा एक 90 का, तो इनके बीचों बीच में हो जाएगा 45 का। तो इस तरह से मुड़ सकते हैं इसमें। तो आइएगा, क्वेश्चन शुरू करते हैं अब। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, राजा अपने घर से दक्षिण दिशा में 4 किलोमीटर चलने के बाद, यानी कि दक्षिण में जाना है सबसे पहले। तो दक्षिण कहाँ होता है डायग्राम में, मैंने बताया था नीचे की ओर होता है, तो नीचे की ओर जाएगा और 4 किलोमीटर चलता है। ये कितना चलता है? 4 किलोमीटर। फिर इसके बाद वह अपने दाई ओर घूम मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो देखिए, दक्षिण में दायां इधर होता है, तो यानी कि वो इधर की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है इधर की ओर मुड़कर। फिर वामार्थ, यानी कि वामार्थ का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी कि घड़ी की विपरीत दिशा कैसे देखते हैं हम? इस तरह से, घड़ी की दिशा में कहता तो घड़ी की दिशा होती है कुछ ऐसे। तो इस तरह से मुड़ेगा इस वाले डायग्राम के हिसाब से। तो देखिएगा, किस तरह से मुड़ेगा घड़ी की विपरीत दिशा में। यहाँ पर हम ये डायग्राम बना लेते हैं जो बना रखा है। तो यहाँ से देखिएगा, इधर ये 45 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा और ये 45, यानी कि इधर की ओर मुड़ जाएगा। और 3 किलोमीटर चलता है, कितना चलता है? 3 किलोमीटर चलता है, यानी कि इधर 3 किलोमीटर चलता है। फिर अपने दाएं हाथ की ओर 45 डिग्री मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो दाएं हाथ की ओर मुड़कर 45 मुड़ना है, यानी कि यहाँ पर ये डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे फिर से यही वाला। तो यहाँ पर देखिएगा, दाएं हाथ की ओर, यानी कि दाएं हाथ होगा उधर, इसका इधर की ओर, यानी कि घड़ी की दिशा में 45 कहा जा रहा है। तो यानी कि ये बीचों बीच में कितना हो जाएगा? 45। अब वो नीचे की ओर जा रहा है, कहा जा रहा है, फिर रुक जाता है। तो अब उसका मुँह किस दिशा में है? तो नीचे की ओर है, नीचे की ओर डायरेक्शन होती है दक्षिण। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण दिशा में उसका मुँह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एंगल बेस्ड क्वेश्चन है ये भी। सुभाष का मुँह दक्षिण दिशा में है। तो देखिएगा, दक्षिण दिशा कहाँ होती है डायग्राम में? नीचे की ओर होती है। तो वो नीचे की ओर उसका मुँह है, ये डायग्राम पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसका मुँह नीचे की ओर है, यानी कि दक्षिण में है। फिर कहा जा रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की दिशा में कैसा होगा? घड़ी की दिशा ऐसे घूमती है घड़ी, तो यानी कि इधर की ओर घूम जाएगा वो 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री आएगा, ये आएगा 45 डिग्री इधर की ओर। फिर उसके बाद कहा जा रहा है फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 100 डिग्री घूमता है। तो घड़ी की विपरीत दिशा देखिए क्या होगी? घड़ी की विपरीत दिशा होगी इधर की ओर। तो 100 डिग्री घूमने के लिए कहा जा रहा है, तो 45 तो वापस यहीं आ जाएगा, फिर 45 थोड़ा सा आगे, फिर 90 हो जाएगा, फिर थोड़ा सा 10 आगे जाएगा, यानी कि थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा। ये हो जाएगा 100 डिग्री, यहाँ से 100 डिग्री ये घूम गया इधर की ओर, 100 डिग्री यहाँ से ये 100 डिग्री घूमता है घड़ी की विपरीत दिशा में। फिर घड़ी की दिशा में ही 90° घूमकर, यानी कि 90 घूमना है घड़ी की दिशा में। तो देखिएगा, ये कितना है? ये 60 है, फिर 40 इधर की ओर आना है, यानी 40 इधर की ओर आना है। तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा कुछ, यहाँ ये हो जाएगा 100 डिग्री, यहाँ पर हो जाएगा पूरा 90 डिग्री। तो उसका मुँह इधर की ओर आ जाएगा। तो इधर कौन सी डायरेक्शन होती है देखिए डायग्राम में? दक्षिण पश्चिम होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दक्षिण पश्चिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, किसी कूट भाषा में इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में पेराडाइज को किस क्या लिखा जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले जो हमें दिया है उसे हम लिख लेते हैं, उसको मार्किंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 तक। फिर उसका जो कोड दिया है उसे लिख लेते हैं, फिर कोड में जो इधर हमने मार्किंग की थी उसके हिसाब से इधर नंबर लिख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, इसको हमने 2 लिखा था, यहाँ 2 लिखा, फिर यहाँ पर देखिएगा, उसके बाद सी आया, सी को हमने यहाँ 1 लिखा था, 1 लिखा इधर, फिर उसके बाद हमने एक्स को यहाँ 4 लिखा था, एक्स को यहाँ 4 लिख दिया नीचे, फिर इधर हमने पी को 3 लिखा था, पी को 3 लिख दिया, जे को 5 लिखा था, जे को 6 लिखा था, तो जे को 6 लिख दिया, टी को हमने 5 लिखा था यहाँ, तो यहाँ टी को 5 लिख दिया, फिर एच को हमने 8 लिखा था, यहाँ एच के नीचे 8 लिख दिया, फिर इधर ओ को हमने 7 लिखा था, ओ को नीचे 7 लिख दिया। अब देखिएगा पैराडाइज को किस तरह से लिखेंगे। पैराडाइज की भी मार्किंग हम 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कर लेंगे, यही मार्किंग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह से ये मार्किंग कर ली हमने। अब देखिएगा जो ये नंबर है इनके हिसाब से हम यहाँ से अल्फ़ाबेट्स रखते हैं। 2 पर क्या है हमारा, यहाँ 2 पर है यहाँ पर ए, तो यहाँ आ जाएगा ए। फिर यहाँ देखिएगा 1 पर क्या था हमारा, 1 पर है देखिएगा यहाँ सी, यहाँ 1 पर कितना है हमारा पी, तो यहाँ आ जाएगा पी। ऊपर वाले का जैसे इधर लिखा था ऐसे इधर का लिख रहे हैं, 4 लिखा था हमने यहाँ ए को, तो यहाँ लिखेंगे हम ए। फिर 3 को हमने यहाँ क्या लिखा था आर, तो इधर लिखेंगे अब हम आर। 6 को क्या लिखा था हमने इधर आई, तो इधर लिखेंगे 6 को आई। 5 को क्या लिखा था इधर हमने डी, तो इधर लिखेंगे फिर डी। 8 को इधर हमने लिखा था ई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर ई। और 7 को इधर लिखा था हमने एस, तो यहाँ लिखेंगे एस। तो देखिएगा ये कोड बन के आएगा हमारा ए पी ए। तो किस में है देखिएगा, ए पी ए, एक तो डी में है और एक ए में है, या तो ए आंसर होगा या डी, लेकिन लास्ट में एस है हमारा, यहाँ लास्ट में ई है, तो डी वाला आंसर कैंसिल हो जाएगा, ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे, ये होंगे नहीं, इसका मतलब होगा हमारा आंसर ए, ए आंसर हो जाएगा इस तरह से। देखिएगा ये मैच कर लेना, इससे मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, तीसरा रीजनिंग का क्वेश्चन है ये भी। देखिएगा ये एक सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ में क्या हो रहा है देखिएगा, यहाँ से 2 के बाद हम 4 गए, 2 जोड़ा हमने यहाँ, 2 के बाद यहाँ हम 2 के बाद 4 गए, यानी कि यहाँ पर 2 जोड़ा हमने, 2 के बाद 4 के लिए हमने 2 जोड़ा, और देखिएगा यहाँ पर ये 4 का स्क्वायर करके एक कम कर दिया हमने, 4 का स्क्वायर कम करके, 4 का स्क्वायर होता है 16, उससे एक कम कर दिया। फिर इसी तरह से देखिएगा 4 से हमने 3 जोड़ा, 7 7 गए, फिर उससे क्या करा हमने, 7 का स्क्वायर करके 2 कम कर दिया, 7 का स्क्वायर होता है 9 49, उससे 2 कम कर दिया यानी 47 लिख दिया यहाँ पर। फिर इसी तरह देखिए यहाँ 7 से 11 के लिए कितना गए हम, कितना जोड़ा 4, तो 11 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर करके 3 घटा दिया उसमें से, 118, 121 होता है 11 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर होता है 121, 121 होता है, उससे क्या करा हमने 3 घटा दिया। इसी तरह अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क के लिए, क्या करेंगे इसमें हम 4 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, सॉरी शुरू में 4 जोड़ा था, 2 3 4 तक जोड़ चुके थे हम, अब जोड़ेंगे हम 5, तो 11 5 हो जाएगा 16, 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर आता है 256, 256 से 4 कम कर देंगे तो ये 252 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा देखिएगा बी, 252,16, इन क्वेश्चन मार्क की जगह ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा पांचवा, इसमें क्या दे रखा है देखिएगा, यहाँ पर डी अपॉन 5, डी अपॉन 9, जे अपॉन 14, एम अपॉन 20। तो इसमें देखिएगा सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ बढ़ रही है घट रही है, तो ऊपर देखेंगे डी अल्फ़ाबेट्स के नंबर याद होने चाहिए, डी का नंबर होता है 3, जी का नंबर होता है 7, जी का नंबर होता है 7, जे का होता है 10, एम का होता है 13। तो देखिएगा यहाँ से सीरीज़ बढ़ रही है, 3 में कितना जोड़ा 4, नहीं सॉरी 3 में 4 जोड़ा है 7 हो जाएगा, 7 में 3, सॉरी डी का 4 होता है, डी का 4 होता है, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, यानी कि 3 3 जुड़ता जा रहा है, तो एम के बाद 13 के बाद 3 जुड़ेंगे 16, 16 होता है अल्फ़ाबेट में पी का, इजोटी होता है एक कोड इसका, इजोटी, तो देखिएगा यहाँ इजोटी से कितना होता है, ई 5 होता है, जे 10 होता है, ओ 15 होता है, टी 20 होता है, और वाई 25 होता है, तो देखिएगा यहाँ ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ हो जाएगा 16, 3 3 जोड़ने के बाद 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 हो जाएगा। फिर देखिएगा यहाँ पर भी एक सीरीज चल रही है, 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में कितना जोड़ रहे हैं जो 14 हो रहा है, 9 5 जोड़ रहे हैं, फिर 14, फिर 6 जोड़ रहे हैं, यानी कि 7 जुड़ेंगे, अब 20 में 7 जुड़ेंगे तो 27,
तो पी अपॉन 27 इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, एक निश्चित कूट भाषा में चलने का अर्थ है हंसना, और हंसने का अर्थ है नहाना, नहाने का अर्थ है खाना, तथा खाने का अर्थ है सोना। तो इस कूट भाषा में नहाने का क्या अर्थ होगा? देखिएगा, जो क्वेश्चन में कहा जाता है जिसका अर्थ, वही आंसर होता है। कहा गया है नहाने का अर्थ है खाना, तो इसका आंसर हो जाएगा खाना। हमें इसमें कुछ ट्रिक व्रिक नहीं लगानी होती है, सिर्फ बस जितना क्वेश्चन में कहा जाता है, जो अर्थ पूछा जाता है उसी का अर्थ देख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है नहाने का क्या अर्थ है, तो नहाने का अर्थ है खाना, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा, ये भी अल्फ़ाबेट्स है। यहाँ पर देखिएगा सीरीज है, यहाँ ए का होता है 1, सी का होता है 3, एफ का होता है 6, जे का होता है 10, ओ का होता है 15, मैंने ये झूठी से भी बताया था जे और ओ का, यू का होता है 21 और बी का होता है 2। तो यहाँ देखिएगा सीरीज क्या चल रही है, बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। एक के बाद 2 जोड़ा, 2 के बाद 3 जोड़ा, 6 हो गया, 6 के बाद 4 10 हो गया, 10 के बाद 5 जोड़ा 15, 15 के बाद 6 जोड़ा 21, 21 के बाद 7 जोड़ा, तो जेड तक तो आ जाएगा, फिर 2 और आ जाएगा, यानी कि जेड तक तो हो जाएगा 26, 26 के बाद 1 और 2, यानी कि 7 जोड़ने पे 2 आ रहा है, फिर इसमें जोड़ेंगे 8 हम, तो बी का होता है 2, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है, जोटी से बताया था जे का, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ठीक है, ए तथा बी की माँ सी है, तो ए और बी की माँ जो है सी है, ए और बी की माँ सी है, यहाँ पर इनकी ये माँ है, ठीक है, सी क्या है, इनकी माँ है, और कहा जा रहा है सी का पुत्र ए है, तो सी का पुत्र जो है, ए जो है सी का पुत्र है, जाहिर सी बात है जब माँ है तो ये पुत्र होगा, लेकिन कहा जा रहा है सी का पुत्र, सी ए वो सॉरी बी सी का पुत्र है, यहाँ पर देखिएगा बी सी का पुत्र है, फिर कहा जा रहा है इसमें ए सी का पुत्र नहीं है, ए जो है सी का पुत्र नहीं है, तो ए तथा सी का क्या संबंध है? देखिए, जब पुत्र नहीं है तो ये दोनों भाई बहन हो सकते हैं, फिर दोनों बहन भाई बहन ही है, तो ये पुत्र है तो ये पुत्री होगी, फिर ए सी की क्या है, पुत्री है, इसका आंसर हो जाएगा ए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और साइड में बेल का आइकन दबा ले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।